10 मिनट में बनाएंगे एकदम क्रंची और कुरकुरे आलू के पकोड़े। आप बोलोगे 10 मिनट में पकोड़े थोड़ी बनते हैं। हाँ भाई बन जाएंगे, वो भी आप जिसे भी खिलाओगे वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। हेलो एवरीवन, मैं त्रुषा, त्रुषा रेसिपी में आपका हार्दिक स्वागत है। 5 मिनट जैसा लगेगा प्रिपरेशन में और 5 मिनट लगेगा फ्राई करने में। ना कोई झंझट ना कोई ज्यादा मेहनत, झटपट से बनाए क्रंची क्रंची आलू के पकोड़े, वो भी फटाफट, जिसके आगे फ्रेंच फ्राइज भी फेल है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रपोर्शन के साथ आप 4 लोगों के लिए स्नैक्स बना सकते हो। सबसे पहले पकोड़े को तलने के लिए तेल को गरम करते हैं। मैंने यहाँ 3 बड़े आलू को लिया हुआ है। आलू को छील कर लेते हैं। अगर आपके वहाँ सबको फ्रेंच फ्राइज और आलू पसंद है तो ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। अब हमें इसे ग्रेट करना है। ग्रेट करने के लिए थोड़ी थीक हो वो वाली ग्रेटर का यूज करना है। इस तरह से आप सारे आलू को ग्रेट करें। आलू ग्रेट हो गए हैं। अब इसे 3-4 पानी से धो लें, आलू का स्टार्च निकल जाएगा। अब ले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। मिक्सिंग बाउल में आलू के लच्छे को डाल देंगे और 2 से 3 चम्मच जैसा बेसन डालेंगे। सूजी को आप एक बार मिक्सी में चला लें, जिससे ऐसा पाउडर बन जाएगा। सूजी की जगह आप चावल का आटा भी यूज कर सकते हो और 2 चम्मच जैसा सूजी का पाउडर बनाकर डालेंगे। सूजी और बेसन को हम बाइंडिंग के लिए ही यूज कर रहे हैं। 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर करीबन 1/4 टीस्पून जैसा, 1/2 टीस्पून जैसा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून जैसा धनिया पाउडर, 2 से 3 हरे मिर्च, 4 कली लहसुन और थोड़ा सा अदरक, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ है, और स्वाद के अनुसार नमक। थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे। अब सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। और देखेंगे एक बाइंडिंग आना चाहिए। अगर प्रॉपर बाइंडिंग ना आए, 1 चम्मच जैसा बेसन आप और डाल सकते हो। ऐसे ही टेक्सचर को हमें रखना है। तेल को भी हमने पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था, तो वो भी गरम हो चुका है। अब धीरे धीरे इस तरह से पकोड़े बनाकर तेल में डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट जैसा फ्राई करेंगे। धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। लगभग 4 से 5 मिनट में पकोड़े फ्राई हो गए हैं। अब इसे प्लेट में निकाल कर ले लेते हैं। बाकी के बैटर से भी पकोड़े को तल लेंगे। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। आप इसे किसी भी टाइम पर बनाकर एंजॉय कर सकते हो। इसे मैंने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।